का प्रसिद्ध कैला माता चैत्र नवरात्र मेला करौली में नव संवत्सर पर हुए उपद्रव के कारण खासा प्रभावित हुआ है। मेले में इस बार 50-60 लाख श्रद्धालु आने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन कर्फ्यू के चलते एक तिहाई श्रद्धालु ही माता के दरबार में आ सके, जिसके चलते दुकानों को खासा नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। करौली से करीब 25 किलोमीटर दूर है ये कैला माता का मंदिर। चैत्र नवरात्र पर यहाँ लाखों श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए आते हैं। प्राचीन काल से ही दुकानदार अपने साल भर की रोजी रोटी का जुगाड़ इसी मेले से करते हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते मेले का आयोजन नहीं हो सका। इस बार जब मेले का आयोजन हुआ तो करीब 50 से 60 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना थी। मेले की शुरुआत में करीब 5 लाख श्रद्धालु कैला माता मंदिर पहुंचे भी, लेकिन 2 अप्रैल को ही करौली में नव संवत्सर बाइक रैली पर पथराव हुआ और इसके बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा, जिसके चलते श्रद्धालुओं की संख्या सिमट कर रह गई। 2 साल बाद मेला लगा है, लोगों में बड़ा उत्साह था और सभी उत्साहित थे। तैयारियां भी बड़े उत्साह के साथ की गई और ये उम्मीद की जा रही थी कि 20-25% के यात्रियों की आवक ज़्यादा रहेगी, दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ेगी और पड़वा वाले दिन रही भी बहुत अच्छी। लेकिन ये जो करौली में दुर्भाग्य से ये झगड़ा हो गया है, इसके कारण जो है बाहर के दर्शनार्थियों ने आवक में कमी हुई और उन्होंने जो है आने से परहेज किया। और मेले की शुरुआत बहुत ही अच्छी रही, मेले से 2 दिन पहले बहुत ही अच्छे संख्या में श्रद्धालु यहाँ पधारे और मेला स्टार्ट होने के 2 दिन बाद तक बहुत अच्छे। उसी दौरान करौली में एक अप्रिय घटना घट गई। उस घटना की वजह से जो नेशनल टीवी पर टीवी चैनल पर जो प्रसारण हुआ उससे एक भय व्याप्त हो गया, क्योंकि उसमें आगरा पूरी यूपी एमपी इधर के ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं और उनके कम से कम सैकड़ों फोन हमारे पास भी आए। हमने उनको समझाने की कोशिश की कि करौली और कैला देवी के बीच में 25 किलोमीटर का अंतर है और इस कर्फ्यू वगैरह का किसी प्रकार का कोई प्रभाव कैला देवी मेले में नहीं है। उसके बावजूद हमारा मानना यह है कि कम से कम 60-70% श्रद्धालु मेले में नहीं आए। पुलिस प्रबंध और प्रशासन प्रबंध तो इस तरह से मेले की उम्मीदें थी कि अत्यधिक लगेगा, 2 साल से नहीं लगाया, तो इस हिसाब से प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी चुस्त दुरुस्त। लेकिन करौली में जो अप्रिय घटना घटित हो गई तो पेपरबाजी हुई और मीडिया में ये बात चली, तो इससे जो पढ़े लिखे और समाज है उस पर यूपी एमपी से अत्यधिक श्रद्धालु आए, तो उनके आने पर रुकावट पर असर पड़ा। कैला देवी के इस मेले में दिल्ली हरियाणा सहित कई राज्यों से व्यापारी यहां आकर दुकानें लगाते हैं, लेकिन इस बार दुकानों का किराया निकालना भी मुश्किल हो गया है। मेले के दौरान भरी रहने वाली होटल धर्मशालाएं सूनी नजर आई। 25 साल से यहाँ रूप प्रसाद कोल्ड ड्रिंक की दुकान करता हूँ, हर साल बहुत अच्छा मेला लगता था। अब 2 साल से कोरोना काल से यह मेला बंद था, कोई यात्री आए नहीं, दुकानदार काफ़ी परेशान थे। अब की बार मेले के फर्स्ट में बहुत अच्छी आवक थी जिससे यात्री बहुत आए, सोचा अब की बार 2 साल का जो घाटा था दुकानदारों का इस मेले में निकल जाएगा, पर किसी कारणवश कुछ पता नहीं क्या हुआ, करोड़ों में जो दंगा हुआ उससे इस मेले का पूरा साफ हो गया, कुछ यात्री भी आए, 25% मेला भरा है। मेला हर साल भरता है, अभी 2-3 साल से कोरोना काल में भरा नहीं है, इसलिए अब ये मेला भरा है, पहली बार भरा है, मतलब 2-3 साल के बाद। तो मेले की स्टार्टिंग मतलब बहुत अच्छी पोजीशन रही, बहुत अच्छा मेला भरने की उम्मीद थी और मेला भी बहुत अच्छा भरता, पर जी क्या है कि लड़ाई दंगे की वजह से एकदम सर्किल टूट गया, इसलिए टुकड़ों में पब्लिक आई है, अब थोड़ी थोड़ी करके आ रही है। करौली में दंगे की वजह से भीड़ बहुत कम रही है, श्रद्धालु बहुत कम आए, इसलिए आपकी वो पहले 2 साल पहले जो मेले भरते थे उससे उम्मीद लोग बाग लगाते थे कि अब की मेला काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन मेला उस तरीके से नहीं हुआ। पब्लिक तो आती रही लेकिन जनरल आती रही, इजीली कमरे मिलते रहे, वो भीड़ नहीं रही जो एकदम मावस पड़वा पर जो मेले भरते थे, 7-8 बजे जो मेले भरते थे, कहीं भी किसी खेत में भी जगह नहीं मिलती थी, कमरे तो मिलते ही नहीं थे लेकिन खेतों में भी पड़ाव पड़ जाते थे। 15-20 साल से दुकान लगाते हैं हम लोग, अब की बार मेला शुरुआत में 2 दिन तो बढ़िया चला था, उसके बाद जो 2 तारीख को दंगा हुआ था करौली में उसके कारण बहुत ही डाउन रहा मेला। अगली बार से करीब करीब मानो 30-40% मेला रहा है दंगे कारण, और बहुत बुरी स्थिति रही है दंगे कारण, बिल्कुल दुकानदार की हालत खराब है। इधर रोडवेज को भी कैला देवी मेले से इस बार निराशा ही हाथ लगी है। बीते वर्षों में रोडवेज को कैला देवी मेले के दौरान करीब 5 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित होता था, लेकिन इस बार मेला अवधि में करीब 2.25 करोड़ की आय ही हो पाई है।